हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्वराज ऑल इन वन। और आज हम बना रहे हैं पोहा और साबुदाने की चकली। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पोहा। इसे मैं अभी धो लूँगी, सिर्फ एक पानी से ही अच्छे से धो लेंगे इसे। ये देखिए, ये मोटा पोहा है तो इसे अच्छे से मैंने धो लिया है। और इसे अभी मैं रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। और ये साबुदाना, तो इसे मैंने रात में भिगो के रखा हुआ था। जैसे हम साबुदाना खिचड़ी बनाते हैं उसके लिए जो भिगाते, वैसे ही इसे भिगाया हुआ है। तो अभी ये पोहा जो है, ये मोटा पोहा है, तो इसे मैं मिक्सी में से निकाल लूँगी। एक एक बारी घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं हम पेस्ट नहीं करेंगे। और जब भी इसे मिक्सी में फेंटेंगे तो इसको मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, वैसे ही हम घुमाएंगे। और थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं घुमाना है। और इसमें मैं डाल दूँगी अभी हरी मिर्ची, सांभर और जीरे का पेस्ट है। मैंने यहाँ पे 5 मिर्ची ली है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितना टेस्ट मिर्ची चाहिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और अभी डाल देंगे इसमें नमक, नमक डाल दिया है। तो अभी इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी हम गूंथेंगे। ये देखिए, इसे मिक्स कर लिया है। अभी मैं डाल दूँगी साबुदाना। दोनों बराबर मात्रा है, साबुदाना और पोहा जो है। अगर आप कभी भी बनाते हैं, जिस क्वांटिटी में आप पोहा लेते हैं उसी क्वांटिटी में आपको साबुदाना भी लेना है, तभी इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अभी मैं इसे अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी लगा लूँगी। ये देखिए, अभी पूरा भिगा के मेरा हो गया है। इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है। तो अभी मैंने इस तरह की चकली का मशीन लिया है, ये देखिए, और इसे इस तरह से रोल करके अभी इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे पूरा बाइंडिंग अच्छे से भर देंगे और इसे अभी कवर कर लेंगे ऊपर का। और जिस तरह से आप चकली बनाते हैं उसी तरह से शेप में आप बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। मैं अभी छोटी छोटी बना रही हूँ, छोटी बड़ी हर साइज़ की बन जाती है। तो अभी मैंने यहाँ छोटी बड़ी इस तरह से देखिए। और जब भी आप ये बनाएं तो इसकी किनारे जो है अलग होती है, तो उसे भी ज्वाइन कीजिए, ये देखिए इस तरह से। नहीं तो फिर तेल में तलते समय उसकी जो किनारे वो छूट जाती है। तो अभी ये पूरी बन के रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अभी मैं इसे 2 दिन की धूप में रख दूँगी। अगर आप अभी धूप नहीं है तो आप पंखे में भी सुखा सकते हैं। मैंने भी पंखे में ही सुखाए हैं 2 दिन में, तो काफ़ी अच्छे से सूख चुकी हैं देखिए। और तलने के बाद भी काफ़ी अच्छी से नज़र आती है बड़ी।